Hey there, you're listening to the Quint. बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के बाद अब बीजेपी की कमान यानी कि अध्यक्षता जेपी नड्डा संभालेंगे। ऐसे में नड्डा के सामने क्या चुनौतियां हैं? क्या वो बीजेपी को उस मुकाम पर वापस ले जा पाएंगे जहां वो 2014 में थी, या क्या वो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पार्टी को फिर से वो झटके ना लगे जो हाल ही में हुए चुनावों में लगे हैं? इसी पर बात करेंगे आज बिग स्टोरी पॉडकास्ट में। मैं हूँ फबीहा सैयद। क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में बड़ी खबर से जुड़े हर तथ्यों को बताकर आपको पूरी तस्वीर से आगाह करने की कोशिश करते हैं। आज बात करेंगे जगत प्रकाश नड्डा की, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी जैसी पार्टी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी से जुड़े जो सवाल हैं, उनके जवाब समझने के लिए हम बात करेंगे निलंजन मुखोपाध्याय से, जो खुद पत्रकार हैं, लेखक हैं और हिंदू नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स पे लिखते हैं। बिहार में मिस्टर नड्डा के लिए भारी चुनौती है। दिल्ली में काफी हद तक चीजें निश्चित हैं, तो मुझे नहीं पता कि नड्डा यहाँ क्या कर सकते हैं। लेकिन बिहार में नड्डा को एडवांटेज ये है कि उन्होंने अपने एजुकेशन वहाँ से हासिल की है। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में नड्डा साल 2010 से एक्टिव हैं, जब उन्हें उस समय के बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने अपनी नई टीम में शामिल किया था। उस वक्त उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। फिर साल 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो नड्डा को भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया। जेपी नड्डा दो बार यानी कि 2012 और 2018 में राज्यसभा में सदस्य के तौर पर भी चुने गए और अब पार्टी के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR जैसे मुद्दों को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, तो ऐसे में इन मुद्दों को लेकर पार्टी का पक्ष और बचाव करने के लिए वो किस तरीके से काम करेंगे? नड्डा के सामने किस तरह की और दूसरी चुनौतियाँ हैं, इन सभी बातों पर हम बात करेंगे निलंजन मुखोपाध्याय से। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप बिग स्टोरी हिंदी को फॉलो कर सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट्स, गूगल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई, जियो सावन और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी।